नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं धनु यानी सेगिटेरियस राशि का वार्षिक भविष्यफल 2018। हम आपकी बात करते हैं प्रोफेशन की, कैरियर की, एंटरप्रेन्योरशिप की, बिजनेस की। तो उससे पहले मैं आपको ग्रह स्थिति बताता हूं। आपकी राशि से एकादश भाव में बृहस्पति चल रहे हैं, जो काफ़ी लंबे समय तक चलेंगे। हम अभी बात कर रहे हैं जनवरी से लेकर और अप्रैल तक की। इस दौरान शनि आपकी राशि में चलेंगे और मंगल जो है 17 जनवरी को वृश्चिक से होता हुआ 7 मार्च को द्वादश भाव में आ जाएगा। तो यह स्थिति है। तो प्रोफेशनली अगर बात की जाए तो इस दौरान बाई एंड लार्ज आपको बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। अपनी योजनाओं को आप आगे बढ़ा सकते हैं, जो काम पहले अधूरे रह गए थे उनको आप मुकम्मल कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। और इस दौरान आपको लोगों का सहयोग प्राप्त होगा और जो योजनाएं अधूरी हैं वो पूरी होंगी और जो नई योजनाएं आप बना रहे हैं उसमें आपको संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। एज एन एंटरप्रेन्योर इफ़ यू वॉन्ट टू एंटर इन टू ए न्यू फील्ड, वो उसकी पॉसिबिलिटी भी है। अगर आप किसी नए फील्ड में प्रवेश करना चाह रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी मान सम्मान में वृद्धि होगी और ऐसे लोग अचानक मिलेंगे जो आपके कार्य को आगे बढ़ाने वाले साबित होंगे। इसमें मित्र भी हो सकते हैं और नए एक्वेंटेंसेज भी हो सकते हैं, नए लोग भी हो सकते हैं जो हो सकता है देश की हों, विदेश की हों, आप उन्हें पहले ना जानते हों और वो अचानक मिलें, वहाँ से आपकी बात बनना शुरू हो जाए। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो ये महीने बहुत अच्छे हैं और स्थितियाँ आपके पक्ष में आएंगी और वर्तमान नौकरी में प्रमोशन, बेटरमेंट की संभावना है, बदलाव के इच्छुक हैं तो वो भी बात बनेगी। लेकिन जब 7 मार्च को मंगल द्वादश भाव में आ जाएगा और पूरे अप्रैल तक रहेगा उसके बाद, तो वो थोड़ा सा समय है थोड़ी सावधानी बरतने का। वहाँ पर कार्यों के बनने में थोड़ी असुविधा आएगी, उसका आप अवश्य ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं अप्रैल से लेकर, अप्रैल तो हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं मई से लेकर हम बात करते हैं आगे वाले आने वाले समय की, यानी अगस्त तक की। इस दौरान मंगल जो है वो मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा और मंगल के प्रवेश करते ही मकर राशि में आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी और मंगल उच्च का हो जाएगा, बृहस्पति आपकी राशि में चली रहे हैं, शनि भी बुरे नहीं हैं। इसका मतलब हो गया ये वो समय है जब भावी योजनाएं, लॉन्ग टर्म प्लान जो हैं, दीर्घगामी योजनाएं जो हैं, दीर्घकालीन योजनाएं, उनको आप व्यवहार में ला सकते हैं। उसके लिए एक आपको बहुत बढ़िया आपके पक्ष का एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा और इसमें जिस तरह का सपोर्ट सिस्टम आपको चाहिए वो देश से हो सकता है, विदेश से हो सकता है, वो आसानी से आपको मिलता रहेगा। और अगर आप गवर्नमेंट के साथ या इंस्टीट्यूशन के साथ या मल्टीनेशनल के साथ कुछ करना चाह रहे हैं तो इन सब के लिए आपका ये समय बहुत ही अच्छा है। अब हम बात करते हैं अगले आखिरी 4 महीनों की, जो सेप्टेम्बर से लेकर दिसंबर के मध्य में। यहाँ पर क्या होगा कि 12 अक्टूबर को बृहस्पति एकादश भाव से निकल के, आपकी राशि से 11वें भाव से निकल के द्वादश भाव में आएगा और फिर साल के अंत तक रहेगा। तो यह वह समय होगा जहां आपको कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। धन संबंधी मामलों के लिए ये पीरियड थोड़ा सा नरम है और जो नए इन्वेस्टमेंट्स हैं उन्हें तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि आप पूरी तरह खंगाल ना लें, पूरी तरह समझ ना लें कि जिन योजनाओं पर आप इन्वेस्टमेंट करने का विचार बना रहे हैं क्या वो योजनाएं आगे चलकर कारगर सिद्ध होने वाली है या नहीं। और इसमें अगर आप किसी मुकाम पर ना पहुँचे, नतीजे पर ना पहुँचें, तो देर इज़ नो हार्म टू टेक एडवाइस फ्रॉम अदर्स। आपके फ्रेंड्स और वेल विशर्स हैं, उनसे एडवाइस भी ले लेना चाहिए। इस तरह से ये आपका पीरियड अच्छा गुजरेगा। अब हम बात करेंगे परिवार, शिक्षा, प्रेम विवाह या विवाह आदि की।
परिवार की दृष्टि से यह समय बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी जो राशि का स्वामी है बृहस्पति एकादश भाव में है, तो एकादश भाव में जो बृहस्पति होगा तो उसका प्रभाव पूरे वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। तो पारिवारिक वातावरण बहुत ही उम्दा रहेगा, सौहार्दपूर्ण रहेगा, आपसी लोगों में सहमति रहेगी और जो कठिन मसले भी होंगे उसे भी आप लोग अपनी सहमति से, आपसी सहमति से सुलझा लिया करेंगे, तो वहाँ पर कोई इशू बनता नज़र नहीं आ रहा। और कम से कम यहाँ से अगर बात करें तो अक्टूबर तक पारिवारिक मामलों में, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक कोई उलझन नहीं है, वो चीज़ें बहुत निर्बाध गति से चलती रहेंगी, उस दृष्टि से समय बहुत अच्छा है। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप हैं, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई कॉम्पिटिशन सम्मिलित हो रहे हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा है और आपके सदप्रयास जो हैं उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन अपनी ओर से भी प्रयासों में कमी नहीं आने देना चाहिए, ऐसा सियाने लोग या इंटेलिजेंट लोग बोलते हैं। हमारे प्रयास भी मुकम्मल होने चाहिए अगर हमको परिणाम मुकम्मल चाहिए तो। और अगर परिवार में कोई और बेटा बेटी और कोई जन शिक्षा के क्षेत्र में है तो आप उन्हें एनकरेज कीजिएगा, उनका समय अच्छा है, आपके एनकरेजमेंट से काफ़ी उनको सहूलियत होगी और एक बहुत ही कन्वीनियंट एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने की चेष्टा करें, उससे भी एक परिवार का जो माहौल है काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप विवाह की दहलीज पर खड़े हैं तो समझिए विवाह का कार्य तो संपन्न होने ही वाला है, तो विवाह की दृष्टि से यह वर्ष बहुत अच्छा है। और अगर आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है तो उसमें जो भी उलझने हैं वो स्वतः समाप्त होंगी और आप आसानी से विवाह की डोर में बंध जाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये वर्ष आपके लिए तो अच्छा है ही, जो लोग स्वस्थ हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, अगर जो लोग बूढ़े हैं या बच्चे हैं या क्रॉनिक पेशेंट्स हैं उनके लिए भी बाय एंड लार्ज ये वर्ष काफ़ी अच्छा है। सिर्फ दिक्कत आ सकती है अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर से लेकर आखिरी के महीनों में, वहाँ पर स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना चाहिए, वहाँ पर बिजनेस में भी ऊंच नीच हो सकती है, तो वहाँ जो भी इन्वेस्टमेंट से संबंधित फैसले हों या नई पार्टनरशिप में एंटर या नई पार्टनरशिप या एसोसिएशन में अगर आप प्रवेश करना चाह रहे हैं तो उस पर विचार करने की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य के लिए भी, और अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो लापरवाही ना बरतें, यह वर्ष कई तरीके से आपके लिए काफ़ी शुभ है। अब हम बात करेंगे फाइनेंस, प्रॉपर्टी, यात्रा, देश विदेश आदि की। जहाँ तक फाइनेंस का सवाल है, फाइनेंस की दृष्टि से यह वर्ष वाकई बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति जो आपकी राशि से एकादश भाव में है, ग्यारहवें भाव में है, यहाँ पर ये 12 वर्ष के बाद आए और तो 12 वर्ष में लाभ स्थान में बृहस्पति की उपस्थिति हर तरीके से अच्छी होती है, तो ये फाइनेंस के लिए बहुत ही अच्छा वर्ष है। आप अपने फाइनेंसेस को किसी भी मुकाम तक, किसी भी हाइट तक लेके जा सकते हैं। अगर आपकी योजनाएं व्यवहारिक हैं और उम्दा हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड हैं तो ऐसा मान के चलिए ये योजनाएं आपको अच्छा पैसा भी देंगी। क्योंकि घर में पैसा हो तो आदमी प्रॉपर्टी का मत बनाता है, तो प्रॉपर्टी की दृष्टि से भी यह वर्ष अच्छा है और संभवतः आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, नई प्रॉपर्टी। अगर नहीं खरीदेंगे तो हो सकता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का योग तो निस्संदेह बन ही रहा है। यात्राओं की दृष्टि से यात्राएं देश विदेश की होने की पूर्ण संभावना है, और अगर आप ऑलरेडी ट्रैवलर हैं, यात्री हैं, यायावर हैं, तो और यात्राएं आपको होने वाली हैं, और ये सारी यात्राएं कहीं ना कहीं ऐड ऑन करेंगी, कहीं ना कहीं आपके सिस्टम को और बेहतर करेंगी, आपके मन को प्रसन्न रखेंगी, नए तजुर्बे होंगे और माहौल भी अच्छा रहेगा। इन यात्राओं में कम से कम 3 या 4 यात्राएं ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें आप परिजनों के साथ पर्यटन पर जाएं, धार्मिक यात्राओं पर जाएं, तो उस तरीके से यह वर्ष एक अच्छा साल है जहां पर हम अपने लिए तो जो करते हैं सो करते ही हैं, अपने जनों के लिए भी इतना हम कर जाते हैं कि याद रहता है कि अरे उस साल तो आपने ये किया था, आपने वो किया था, तो इससे भी आप एक स्थिति सामाजिक या पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी। चलते चलते हम बात कर लेते हैं रुकावटें, झंझट, मुश्किलें या कोर्ट केसेस की।
तो बाई एंड लार्ज रुकावटें ज़्यादा रहेंगी नहीं इस वर्ष में, और जो रुकावटें आएंगी भी उन्हें आप बहुत बढ़िया से हल कर लेंगे। इसमें आपके मित्रों का बड़ा योगदान रहेगा, परिजनों का बड़ा साथ रहेगा, तो उससे रुकावटें नहीं होंगी, झगड़े झंझट में फंसने की ज़रूरत नहीं है। आपका व्यक्तित्व ही इनफ है, बहुत है कि आप औरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें और कठिन से कठिन मसले को भी अपनी युक्ति से उसका समाधान कर सकें, तो उस दृष्टि से बहुत अच्छा है। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है और उसका फैसला आने को है तो यकीनन जानिए यह फैसला आपके पक्ष में रहेगा और इससे आपको काफ़ी लाभ भी होगा और कोर्ट केसेस के लिए भी यह वर्ष अच्छा है। कुल मिलाकर यह वर्ष आपको आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं कर पाए तो तुरंत कीजिएगा। अजय भांबी चैनल यानी ABC पर हम हर बार रोचक कोई ना कोई विषय लेकर आएंगे और वो काफ़ी इंट्रीग भी करेगा आपको। धन्यवाद। ब्रह्मांड के गर्भ में अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं जिसे हम ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से आप तक पहुंचाने का सतत प्रयास करते रहते हैं, इसलिए देखते रहें ABC यानी अजय भांबी चैनल और साथ में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।